नमस्कार, घमासान डॉट कॉम के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम बात करते हैं मध्यप्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। देखिए, मध्यप्रदेश में जो भूचाल आया हुआ है वो देश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योति सिंधिया ने जिस तरह से पार्टी से बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मुश्किल में पड़ गई है। हर एक व्यक्ति की जुबान पर यही सवाल है, क्या सरकार बच पाएगी और भाजपा की सरकार आखिर कब बनेगी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन खास तौर पर ये बात सामने आई है कि अब कांग्रेस की यदि सरकार गिरती है तो कांग्रेस ऐसे में क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो कैसे भी करके अपनी सरकार बचा ले या फिर सारे कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे कराकर मध्यावधि चुनाव की ओर जाएं, क्योंकि प्रदेश में लगभग 14 महीने में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के कर्जे माफ करना शुरू किए, सभी तरह के माफिया के खिलाफ अभियान चलाया और कमलनाथ की छवि एक बड़े राजनेता के रूप में एक बार फिर उभर कर सामने आई। कमलनाथ का चेहरा अभी जनता के सामने बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने जिस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई उद्योगपतियों को जमीनें दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे कई काम हैं जिसके कारण सरकार को कोई खास परेशानी नहीं है फिर से चुनाव मैदान में उतरने में। हालांकि ये बात सही है कि किसी भी सरकार के लिए 14 महीने का वक्त बहुत कम होता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं, इसलिए कांग्रेस को अब लगता है कि मध्यावधि चुनाव की तरफ ही जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि कई राज्यों में सरकार न बन पाने या लंगड़ी सरकार बनने के कारण, या फिर यूं कहें कि गठबंधन की सरकार में झगड़े होने के कारण दूसरी बार साल डेढ़ साल में ही चुनाव की नौबत राज्यों में आई है। मध्यप्रदेश के इतिहास में भी पहले ऐसा हुआ है, समी सरकार भी गिराई गई थी, हालांकि वो सरकार भी ज्योति सिंधिया की दादी राजमाता सिंधिया ने गिराई थी। उस समय भी बात मान सम्मान और स्वाभिमान की थी, और शायद इस समय भी ज्योति सिंधिया की बात माने तो स्वाभिमान और मान सम्मान की बात थी। तो बात यह है कि यदि कांग्रेस मध्यावधि चुनाव की तरफ जाती है तो फिर भाजपा के हाथ से एक बड़ा मौका जा सकता है, क्योंकि अभी तो भाजपा के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी और मध्यप्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी। वैसे सरकार भाजपा की बनने के साथ ही एक बड़ा सवाल अभी भी अधर में लटका हुआ है। ज्योति सिंधिया को राज्यसभा की कुर्सी तो मिल गई और हो सकता है कि उनको बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन सवाल इसका उठता है कि सिंधिया के साथ जो लगभग 22 विधायक अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया जाएगा, क्या उनको मध्यावधि चुनाव होने की नौबत पर सबको टिकट मिलेगा, या उपचुनाव होने पर उन सभी को फिर से भाजपा उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। हर राजनीतिक पंडित इस पर विचार मंथन कर रहा है और सबसे आखिरी में सारे विशेषज्ञों की बात यहाँ आकर ठहर जाती है कि मध्यप्रदेश एक बार फिर मध्यावधि चुनाव की ओर है, क्योंकि कांग्रेस ये कतई नहीं चाहेगी कि भाजपा को आसानी से मध्यप्रदेश में सरकार बनने का मौका मिल जाए, क्योंकि भाजपा यदि सरकार आसानी से सरकार बना लेती है तो ऐसे में ज्योति सिंधिया का दाव सही लग जाएगा, और यदि मध्यप्रदेश में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि ज्योति सिंधिया को अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में परेशानी आ सकती है, या यूं कहें कि टिकट मिलने के बाद भी अपने समर्थकों को सिंधिया को जिताने में काफी मशक्कत करना पड़ेगी। कुल मिलाकर आप कहीं से भी बात शुरू करें और बात जब खत्म करते हैं तो लगता यही है कि मध्यप्रदेश मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। इसी में जो है कांग्रेस की भलाई समझी जा रही है। वैसे भी अब मध्यप्रदेश में ज्योति सिंधिया के जाने के बाद ऐसा लगता है कि झगड़े समाप्त हो गए, क्योंकि कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता पहले दिन से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच
आपसी तालमेल और जो सामंजस्य है उसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। इस समय मौका है कि ज्योति सिंधिया को राजनीतिक रूप से सबक सिखाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू करें और हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच मध्यावधि चुनाव में कड़ा मुकाबला हो और वही हालात फिर बने कि 10-20 सीट का दोनों पार्टियों के बीच में अंतर हो। हालांकि इसमें मुसीबत उन दो पार्टियों की भी है जिनके पास गिनती के विधायक हैं, सपा और बसपा। इनकी हम बात करें तो इनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी और इसके साथ साथ निर्दलीय विधायकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि भाजपा में या कांग्रेस में विवाद होने पर एक दूसरी पार्टी के नेताओं को कोई भी पार्टी अचानक मौका आने पर टिकट दे सकती है। इस तरह के राजनीतिक समीकरण अभी कई बार पलटेंगे, लेकिन समीकरण बनना और बिगड़ना राजनीति का दूसरा स्वरूप है, ये तो हमको लगातार देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बच पाती है या नहीं। सरकार यदि गिरती है तो ऐसी नौबत में मध्यावधि चुनाव होते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर ये तैयारी कर ली है कि भाजपा को आसानी से सरकार नहीं बनाने दी जाएगी। कांग्रेस के सारे विधायकों के इस्तीफे कराकर इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव का मौका बने। आप देखते रहिए thamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।